So guys, finally we have reached our destination. That is Phagu. जो कुछ I guess कितना किलोमीटर है? ना 20-30 किलोमीटर था ना? Around 20-30 किलोमीटर from Shimla. 18 I guess. 18 हाँ sorry 20 किलोमीटर्स. हाँ, so 18 किलोमीटर्स दूर शिमला से एक छोटा सा गांव है जो है Phagu. You can see around यहाँ पे सब ये एप्पल के झाड़ लगे हुए हैं. उसमें एप्पल नहीं है, अभी सीजन नहीं है तो एप्पल नहीं है. ये देखिए पूरा इनका और ये व्यू है. व्यू तो हम पूरा दिखाएंगे बट जस्ट अभी एक ग्लिम्स हम दे रहे हैं. हम एक होम स्टे में रह रहे हैं, वो जो भी है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. हाँ. जिन जिनको अगर आना हो आप लोगों को. द प्रॉब्लम इज द चेक इन टाइम इज 12:00. हाँ, और हम पहुंच गए 30 हुआ है, 9:00 हो गया ऑलमोस्ट. हम लोग थोड़ा सा चाय वाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, तब तक दूसरे लोग निकलेंगे. तो आप देख रहे हैं कि मैं कैमरा घुमा रहा हूँ. व्यू बहुत ही मस्त है. और जो यहाँ के जो ओनर है वो बोल रहे थे कि स्नोफॉल भी हुआ था लास्ट 4th को, तो काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, पूरा स्नो से कवर हो गया था. तो अभी पता नहीं अभी हमें मिले या नहीं. तो स्नो दिख रहे थे, पता नहीं. यहाँ वो लोग बोल रहे 26-25 को बोल रहे कि वेदर थोड़ा खराब होगा, खराब येलो वार्निंग है. येलो वार्निंग है मतलब खराब मीन स्नोफॉल होगा. अभी नसीब देखते हैं अभी मिल जाए तो. और मेरा फर्स्ट टाइम है ये स्नो, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं है. रास्ते पे मैंने फर्स्ट टाइम स्नो देखा अभी. और ये ऊपर चढ़ के खड़ी है, इसके लिए मेरे से ऊंची दिख रही है. वो सबको पता है, सबको पता है. और इसने मेरी जैकेट चुरा ली, वो मैं बताऊंगा. मैं इतनी ठंड लग रही थी उसको, बस से जैसे उतरी बोले अरे जैकेट दो जैकेट दो जैकेट दो, एंड कांपने चालू हो गए, शिवरिंग चालू हो गया इसका. इतनी ठंड तुझे तो लगती नहीं, ऐसे कैसे ठंड लग गई? हाँ, तुझे कैसे ठंड लग गई रे? ऐसा ठंड लगती नहीं है, अगर मैं थर्मल वर्मल सब पहनती हूँ तब ठंड नहीं लगती. मैंने तो कुछ नहीं डाला था ना. और ये है मेरा, अरे यार कैप बाल के वैसे कैप है ना, यही प्रॉब्लम आता है. चलिए आपको मिलते हैं अभी थोड़े टाइम में, चाय पीते हैं और फिर बाद में मिलते हैं. रूम जल्दी से जल्द मिल जाए, तब तक मैं सीनरी दिखा देता हूं. और कीवी के झाड़ है, पीच भी बोले ना, झाड़ है, एप्पल है. कुछ भी फ्रूट्स अभी है नहीं, अभी सीजन नहीं. तो गाइस ये रहा व्यू. साफ साफ पक्षियों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, इतनी शांति है. हाँ, इतनी शांति है. अभी इधर यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली स्किन आपकी अच्छी होगी. इधर आपकी मतलब मेरी, ऐसा बोलना मतलब मैं सबकी जो भी. तो गाइस ये आ गई है मेरी चाय. तो चलिए इस चाय को एंजॉय करते हैं इस ठंडी वाले मौसम में. सो फाइनली 9:45 को हमें चेक इन मिल रहा है. अभी उन्होंने सब रूम साफ किया, सैनिटाइज किया और वी आर गोइंग. लुक एट दिस प्लेस गाइस, जस्ट लुक एट दिस प्लेस. वाओ, मतलब एकदम शांति. हमेशा हम भीड़ भाड़ के एरिया में रहते हैं. मुझे लग रहा है ये काउ शेड है और ये पीछे से भी एंट्री है. मेरी सांस फूल रही है बिकॉज आई एम कैरिंग अ बैग. सो गाइस ये है हमारी रूम. सो ये हो गई रूम टूर. ये है वॉशरूम. वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, ये देखिए. और गीज़र तो देखिए, इनके गीज़र देखिए. उन्होंने कहा कि इसको कम से कम 45-50 मिनट्स आपको ऑन रखना पड़ेगा गर्म पानी के लिए. तो काफ़ी बड़ा है वॉशरूम. एग्जॉस्ट फैन भी दिया है. एंड यहाँ पे एक बेड है जो दो लोग के लिए तो बड़ा है ना सागर.
एक्चुअली ये तीन लोगों के लिए रूम है, और यहाँ पे मोटी सी एक ब्लैंकेट भी है, दो गद्दे भी दिए उन्होंने, ये छोटा सा एक शेल्फ जैसा बनाया है, और एक केटल दिया है, और व्यू आप देखिए, और ये हाँ पहले ये दो चेयर भी दिए, और ये व्यू देखिए, जस्ट लुक एट दिस व्यू, ये आपको मिलेगी विंडो से व्यू हमेशा, और ये है छोटी सी एक बालकनी, यहाँ पे आपको वही सेम व्यू दिखेगी। और ये साइड में भी व्यू है, ये देखिए, वाव यार सागर, सुबह सुबह ऐसे ऐसे व्यू देख के हम लोग उठने वाले सुबह। सो इसे आप ओपन भी कर सकते हो आई थिंक, पता नहीं, ओपन ओपन ओपन, ये देखिए, ये एक और विंडो है, यहाँ पे मेरे को लगता है ना मंकीज आते हैं, इसके लिए उन्होंने इतना मतलब ये दिया, ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस सागर, सुबह वाओ ऐसा मस्त है ना, बस स्नोफॉल पड़े तो फिर तो क्या ही बात है, वाह ठंडी ठंडी हवा रही है यार, वाह 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 वाह, और ये रहा सागर स्टाइल मारते हुए, धूप आ रही है ना इसके लिए, हाँ मस्त है ना एकदम सब, मतलब इट इज लाइक सिर्फ दोनों दोनों जगह पे तुमको व्यू व्यू है, देखो फुल व्यू, फुल व्यू, ये ऐसा लग रहा ना कि कौडंग से बना है, बट है ऐसे कौडंग का नहीं है, बट ऐसा लग रहा है। तो अभी अभी हम वेट कर रहे हैं नाश्ता का, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे दूसरे लोग भी है जो ये रूम में रह रहे थे, वो लोग चेकआउट कर रहे थे, वो लोग नाश्ता करके चेकआउट करने वाले थे, क्योंकि होम स्टे है तो फिर क्या है एक ही साथ सबको एक साथ ब्रेकफास्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो बनाने वाले लोग भी कम है यहाँ पे, तो वो एक एक रूम से हम लोग बुलाते हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा है, उन्होंने कहा कि उनका हो जाएगा वैसे हम आपको बुलाएंगे, और रूम हमें तो मिल गया है अभी, उन्होंने एक्चुअली टाइम से पहले दे दिया हमारे लिए, फटाफट अरेंज कर दिया, क्योंकि नॉर्मली चेक इन टाइम 12 बजे का होता है, बट उन्होंने अरेंज कर दिया हमारे, और मुझे अभी है ना पराठे की खुशबू आ रही, पराठे बन रहा है कुछ तो, और मुझे बहुत भूख लग रही है, वो व्यू तो जबरदस्त है, आपने देखा जैसे व्यू, मतलब फोटोज तो ऐसे आएंगे, और अभी अच्छी धूप भी आई है, एकदम मस्त क्लाइमेट है, एकदम जबरदस्त क्लाइमेट है, कि ठंडी थोड़ी हवा चल रही है और धूप भी है, अभी कुछ टेम्परेचर मैंने देखा तो 16-17 है, और रात को वो 8-9 के करीब हो जाएगी, तो मेरा अभी सोचो अभी 16-17 में ऐसा हालत है रात को, रात में तो इसको जैकेट पहन के रखना पड़ेगा, मेरी हालत क्या होगी पता नहीं, बाल अभी बट ठीक है, प्लेजेंट क्लाइमेट है, बाल तो अभी पूरे रूखे सूखे हो गए, आपको पता है ना कि विंटर सीजन में कैसे होते बाल, स्किन एकदम मस्त होता है, बस कुछ भी हो स्किन एकदम मस्त मस्त होता है, तो चलिए अभी थोड़ा मैं कोम फ्रेश हो जाते हैं थोड़ा, हाँ और थोड़ा नाश्ता भी करने जाते हैं, तभी आपको बताएंगे लेके जाएंगे नाश्ते के टाइम, तो चलिए आई जस्ट टुक बाथ, और जो गीजर आपको बताया कि 45 मिनट्स ऑन रखना पड़ेगा, तो मैंने ज़्यादा हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ 15 मिनट्स ऑन रखा था, फटाफट मैंने मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गई, क्रीम व्रीम लगा दिया, सनस्क्रीन लगा दिया, अभी मैं वेट कर रही हूँ नाश्ता का, एक्चुअली जो ये रूम में रह रहे थे ना उसमें बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 10-15 लोग हैं, तो उनका नाश्ता अभी तक हुआ नहीं है, जो उनका जैसे होएगा फिर हम लोग जाएंगे, तब तक मीनवाइल मैं खा रही हूँ, ये मैं लेके आई थी मुंबई से, और मैरी बिस्किट वैसे तो मुझे इतना खास पसंद नहीं है, बट अभी ना जब मैं खा रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब अच्छा लग रहा है कि अरे वाह क्या बिस्किट है ये, नहा रही थी ना अचानक से ठंडा पानी आने लगा, गर्म पानी का शौक खत्म हो गया, ऐसा मैंने चिल्लाया ना जोर से, तो अभी सागर नहाने गए लेकिन अभी तक गर्म पानी हुआ नहीं है, आपको जैसे बताया था मैंने 45 मिनट्स लगेगा, अभी सागर सिर्फ फेस वॉश कर रहा है, दैट्स इट, तो चलिए अभी नाश्ते का वेट करते, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लगता है मुझे अभी पूरा ख़त्म कर दूंगी मैं, और अभी मुझको अच्छा लग रहा है एकदम, जब मैं नहा के आई ना बहुत ठंडा लग रहा था, अभी एकदम एकदम मतलब ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं, एकदम मिडल में, बहुत मस्त है, बस बैठ के सीनरी देखना है बस सामने भी, आ गया सागर नहा के, क्या हुआ बहुत ठंडा है, नहाया तू हाँ। सच में तू नहाया सागर हाँ। क्या हमारा अकेले बोल रहा है, अरे सच में नहाया, क्या मेरे को आवाज ही नहीं आया, पक्का मत, चल फेस वॉश किया ना तूने, सिर्फ फेस वॉश किया हाँ। क्योंकि गर्म पानी नहीं आ रहा था, थोड़े टाइम बाद नहाऊंगा, बट उसमें भी हालत खराब हो गई, मेरे मेरे को पूछ कैसे हालत हो गई थी मेरी, मतलब डालने के बाद ठंडी हवा है ना वो लग रहा है मुंह पे पूरा, बाथरूम तो पूरी बंद है लेकिन पता नहीं हवा कहाँ से आ रही है ना, ऊपर से मैंने कपड़े रखे थे पहनने वाले अंदर, ये भी इतने ठंडे हो गए, ऐसा लग रहा है एसी में से निकाले थे, पहन लिया तो
चल अभी रेडी हो जा, में बैठना पड़ेगा। हाँ तो अच्छा लगेगा, रेडी हो जा जल्दी, अभी जाते हैं। मायर बिस्किट खाएगा? मैं अभी ब्रेकफास्ट, अच्छा लग रहा है मायर बिस्किट ना इधर। चल चलो।